थे बल्कि स्टोरी टेलर्स थे, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विधाओं पर चर्चा की थी। मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वही G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डायवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आज हम इसी चरैवेति चरैवेति की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है, जो हर मन के को जोड़े रखता है। हर एपिसोड में देशवासियों की सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है। इस कार्यक्रम में हर देशवासी दूसरे देशवासी की प्रेरणा बनता है। एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ